नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुधवार को तमिलनाडु के कुरूर के जंगल में करीब 12:20 के लगभग सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें CDS बिपिन रावत सहित 13 लोगों की जान चली गई, जिसमें सीहोर जिले के छावा तहसील अंतर्गत धमांदा के सेना में पदस्थ PSO जितेंद्र कुमार वर्मा उम्र लगभग 31 वर्ष वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इछावर के 5 चौराहे पर दीपक जलाकर भाजपा नेता मनीष विश्वकर्मा के समर्थकों ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी जान गंवा चुके सभी शहीदों को नगर के 5 चौराहे पर दीप प्रज्वलित कर 2 मिनट का मौन धारण करके सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई एवं उनके परिजनों के यहां दुख सहने करने की ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान भाजपा के युवा नेता मनीष विश्वकर्मा सहित उनके समर्थक एवं नागरिकों ने बड़ी संख्या में इछावर के 5 चौराहे पर श्रद्धांजलि दी। इछावर से जलील खान की रिपोर्ट। सर, ये आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्यों किया गया? ये भारत के वीर शहीद जनरल रावत जी जो है वो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है वो शहीद हो गए, उनके साथ उनके जो साथी थे 12 वो भी शहीद हो गए। और उस शहीद जो हेलीकॉप्टर में जो शहीद हुए हैं उसमें से एक जवान जो है वो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर तहसील के गांव मुंडा के थे, और इसलिए देश के उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कार्यक्रम इछावर के युवा मनीष कुमार विश्वकर्मा के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा रखा गया, जिसमें नगर के जो युवा थे उनने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।